मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। सिंगरौली विधानसभा सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार राम निवास शाह ने कांग्रेस की रेणु शाह को करारी शिकस्त दी है। जीत के बाद नव निर्वाचित विधायक राम निवास शाह ने विजय जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ता शामिल हुए, और इसी दौरान भाजपा समर्थक और आम आदमी पार्टी से निष्कासित नेता संदीप शाह पिस्टल लहराते नजर आए। फिर सवाल तो उठता है कि ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है या कानून की खिल्ली उड़ाई जा रही है। संदीप शाह के पिस्टल लहराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन संदीप शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। सिंगरौली में भाजपा उम्मीदवार राम निवास शाह ने कांग्रेस की रेणु शाह को 37,977 मतों के अंतर से हरा कर बड़ी जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा कायम रखा है, पर राम निवास शाह के विजय जुलूस में भाजपा समर्थक और आम आदमी पार्टी से निष्कासित नेता संदीप शाह के पिस्टल लहराने का वीडियो भाजपा नेताओं को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। एक तरफ भाजपा ने सख्त कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर जनता से वोट मांगा और जनता ने वोट दिया भी, तो वहीं अब भाजपा समर्थक संदीप शाह कानून का मजाक बना रहे हैं। सिंगरौली में भाजपा की जीत से सभी कार्यकर्ता और समर्थक उत्साहित है, पर विजय जुलूस में इस तरह से पिस्टल लहराना कतई रूप से सही नहीं है। यह कानून के नियमों का उल्लंघन है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में प्रशासन कब और क्या कार्रवाई करता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।